Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 13, Other Useful Free Tools and Services, part 3. In last session, we learned Google Map as well as VLC Media Player. Now, in this session, we are going to learn Character Map. So let's start it. The character map programs shown in figure 13.7 can be used to enter Unicode character into any application. Student, अभी actually character map होता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक figure दिखाई दी है, जिसके अंदर कोई भी language में अगर आपको character लिखने हैं, तो यहाँ पे ये character लिख सकते हैं। यहाँ पे Japanese, गुजराती, अलग अलग टाइप के बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, राइट। अगर आपको टेक्स्ट टू लिखना है, सब जय जय गरवी गुजरात, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट, तो ये यहाँ से कैरेक्टर लेगा और ये कैरेक्टर टेबल से वो कैरेक्टर उठाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैरेक्टर मैप। अभी ये वर्क कैसे करता है, तो वी फर्स्ट सिलेक्ट द स्क्रिप्ट, सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है, फिर फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड देन डबल क्लिक कैरेक्टर टू इंसर्ट देम इन टू द टेक्स्ट टू कॉपी एरिया बिलो। और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग को कहाँ पे कॉपी करना है, तो टेक्स्ट टू कॉपी के एरिया में हमें वो कॉपी करना है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्पेसेस एंड पंक्चुएशन में भी एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड डायरेक्टली इन टू द एरिया आफ्टर क्लिकिंग इन इट। अभी जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, हैश, एट द रेट, डॉट, ये सारे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर बाय कीबोर्ड भी डाल सकते हैं, स्पेस हो गई। बट कंबाइनिंग कैरेक्टर लाइक द लॉन्ग टू इन गुजराती कैन ऑल्सो बी एंटर एंड कंबाइन विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्सोनेंट एप्रोप्रिएटली। ब्रीफ डिटेल ऑफ द कैरेक्टर करंटली सिलेक्टेड विद द सिंगल क्लिक और एंटर विद डबल क्लिक आर श्योर इन द स्टेटस लाइन एट द बॉटम, while more detail on the character is available in the character detail tab. After we get substantial amount of a content, we may copy the content and paste into an application. If you only have a type of few character in another script occasionally, then character map is good solution for that. Student, अब character map actually है क्या और ये कैसे work करता है और इसका help क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा detail में information दूंगा। सबसे पहले अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर में आपको कोई भी लैंग्वेज में लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग लैंग्वेज चेंज करते हैं, राइट। बट कैरेक्टर मैप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको कोई भी लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो कैरेक्टर मैप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर तो फॉन्ट का स्टाइल वगैरह सब दिया गया है, सैंस सेरिफ, सेरिफ वगैरह, बोल्ड करना, इटैलिक करना। बट यहाँ अगर स्क्रिप्ट में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर मैप्स के वैरायटीज है। जैसे इसमें अगर उन्होंने गुजराती सिलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैरेक्टर मैप में सिर्फ गुजराती वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको जो भी वर्ड यूज करना है आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए कैरेक्टर मैप यूज किया जाता है। ओके, नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज आर सॉफ्टवेयर। आर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। जो भी हम लोग को स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करना होता है उसके लिए आर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट इज अ जीएनयू प्रोजेक्ट, इट इज वाइडली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये जो डेवलप किया है ये जीएनयू ने डेवलप किया है और इसका वाइडली जो यूज है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए है। इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसकी एक खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने कोई कैपिटल लिखा है तो आपको वो फिर से कैपिटल ही लिखना है, जो स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही लिखना है। आर हैज टू वर्क एनवायरमेंट्स, नेमली कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। अभी जो आर एप्लीकेशन है स्टूडेंट, ये दो एनवायरमेंट में वर्क करता है, एक कमांड लाइन, आप कमांड दो उसके बेसिस पे भी ये वर्क करेगा, दूसरा ग्राफिकल, ग्राफिकल यानी आप वहाँ पे आइकॉन देखोगे उसके बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। To use it in a GUI environment, we need to install graphics editor like RCommander or RStudio from Ubuntu Software Center. अगर इसको आपको graphics editor में use करना है तो आपको RCommander और RStudio जैसे software
इंस्टॉल करने पड़ेंगे। स्टूडेंट ये याद रखना दोनों सॉफ्टवेयर के नाम, ये बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है। जीयू एनवायरनमेंट में ग्राफिक्स एडिटर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आर कमांडर और आर स्टूडियो। द कमांड टू इंस्टॉल आर इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। टू इनवोक द आर स्क्रिप्ट फ्रॉम टर्मिनल विंडो, ओपन टर्मिनल एंड टाइप आर ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट। यू विल गेट अ वेलकम मैसेज अलोंग विद आर प्रॉम्प्ट एज शोन इन फिगर 13.8। स्टूडेंट इन लास्ट ईयर यू लर्न अबाउट वीम एडिटर, राइट? आप सबको वीम एडिटर पता होगा, वहां पे हम लोग ने शेल स्क्रिप्ट यूज किया था। तो शेल स्क्रिप्ट में तीन मोड होते थे, राइट? कमांड मोड, इंसर्ट मोड और तीसरा मोड है वो एग्जीक्यूशन मोड। ये तीन मोड में वर्क क्या होता था स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कमांड मोड में कमांड लिखोगे तब जाके आपका वीम एडिटर ओपन होता था। वहां पे आप इंसर्ट की दबाने के बाद वहां पे लिख सकते हो और उसके बाद रन टाइम मोड में उसको एग्जीक्यूट करते थे, राइट? तो उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे ये आर सॉफ्टवेयर में भी है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर आप कमांड लिखोगे उसके बेसिस पे ये वर्क करेगा। तो इसका वर्क कैसे होता है तो यहाँ से चलो देखते हैं। आर यूजेस हैश एज द कमेंट मार्कर। अगर इसके अंदर कहीं पे भी कमेंट लिखना है हमें तो आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को हैश यूज करना है, जस्ट लाइक द लिनक्स। एनी टेक्स्ट फॉलोइंग हैश अप टू द एंड ऑफ द लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। अगर कोई भी लाइन के पहले अगर हम लोग ने हैश लिखा है तो वो एंड तक, लाइन एंड होने तक वो वहां पे कमेंट कंसीडर करेगा, ओके? नंबर एंड स्ट्रिंग आर द बेसिक डेटा टाइप्स। और इसके अंदर जो नंबर और स्ट्रिंग होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप्स है। स्ट्रिंग्स में बी एनक्लोज इन अ सिंगल कोट और डबल कोट। जो स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग सिंगल कोट में भी क्लोज कर सकते हैं ओपन और क्लोज, और डबल कोट में भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते थे स्टूडेंट लास्ट ईयर इको आई एम इंडियन, तो आई एम इंडियन हम लोग डबल कोट में लिखते थे, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे। उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग को कुछ टेक्स्ट लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है, तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट में हम लोग लिख सकते हैं। कॉमन ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस आर अवेलेबल जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम, एरेज और लिस्ट आर कॉमनली यूज एंड आर ऑल्सो रेफर टू एज अ वेक्टर्स। Lists are created using the C function to combine several number into a single list. Student, यहाँ पे अगर number of list होगी तो यहाँ पे एक array नाम का जो concept है ये आपको Java में detail में मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, number of list का collection एक single list में बनाया जाता है, उसको execute किया जाता है। तो most operator like plus, minus, multiply, divide and other work equally well on single number as well as on list. तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये सिंगल नंबर पे भी वर्क करते हैं। तो मोस्ट ऑपरेटर सॉरी however, when both operands of binary operator are list, their length, number of elements in them should ordinarily be same. Entering the name of the variable and pressing enter displays its value. तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ये डिटेल में समझ में भी आएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, इसको जब भी वैल्यू असाइन करनी है ए वेरिएबल को तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वैल्यू 10। फिर जब भी बी को वैल्यू असाइन करनी तो यहाँ पे लिखा है 20। और ए इंटू जब बी करते हैं ये तो उसका आंसर आया स्टूडेंट 200। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हियर द सिंबल ए ग्रेटर देन शोज द प्रॉम्प्ट। ये जो है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। द स्टेटमेंट ग्रेटर देन एंड एरोज लेफ्ट साइड एरोज 10 डिफाइंस अ वेरिएबल ए एंड असाइन इट अ वैल्यू 10। यहाँ पे ये एरोज है इससे ये डिफाइन कर रहा है कि ए के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। और एंटर की प्रेस डिसमिस द वैल्यू ऑफ ए। तो जैसे आपने ए के बाद की प्रेस कर दी तो वहां पे ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ओके? सिमिलरली द स्टेटमेंट बी 20 डिफाइंस द वेरिएबल बी एंड असाइन इट्स वैल्यू 20। बी वेरिएबल में यहाँ पे 20 वैल्यू स्टोर कर दी है। द स्टेटमेंट ग्रेटर देन ए इनटू बी फॉलोड बाय एंटर की प्रेस मल्टीप्लाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड बी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे ये रिजल्ट डिस्प्ले किया गया है। समझ में आया स्टूडेंट, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकली आप याद रखना है आपको।
बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेवेंट सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर सॉफ्टवेयर क्या है, उसके लिए ग्राफिक एडिटर कमांड एडिटर कैसे यूज करना है, इसमें कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, और इसको यूज करने की टेक्निक आपको स्टूडेंट याद रखनी है। ओके तो सम कॉमन आर कमांड इंक्लूड क्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज फॉर क्विटिंग आर। अगर आपको आर सॉफ्टवेयर बंद करना है क्लोज करना है तो आपको ये कमांड लिखना है क्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिससे क्विट हो जाएगा आपका आर सॉफ्टवेयर। और हेल्प कमांड यूज होता है हेल्प ब्रैकेट ओपन क्लोज फॉर एक्सेसिंग द ऑनलाइन हेल्प। इफ यू वांट द ऑनलाइन हेल्प यू हैव टू यूज हेल्प कमांड। एंड डेमो फॉर व्यूइंग सम डेमोन्स्ट्रेशन एंड हेल्प, अगर आपको कोई डेमो देखना है तो आपको उसके लिए डेमो कमांड यूज करना है। और स्टार्ट कमांड यू हैव टू यूज टू ओपन द लाइन इन हेल्प इन अ ब्राउज़र स्टूडेंट। ये सारे कमांड याद रखना, इसमें से एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है सारे कमांड का यूज क्या है। ओके स्टूडेंट, टू गेट हेल्प ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन वी नीड टू यूज द सिंटैक्स हेल्प फंक्शन नेम। व्हेन वी क्विट आर वी आर आस्क वेयर वेदर वी वॉन्ट टू सेव द डेटा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द करंट सेक्शन। जब भी हम लोग क्विट करते हैं आर सॉफ्टवेयर तो उसको ये पूछना है हमें कि हमारा डेटा जो है वैल्यू जो है या वेरिएबल में जो वैल्यू वो सेव करनी है या नहीं। इफ वी रिस्पॉन्ड येस और वाई द डेटा विल बी सेव, अगर हम लोग ने रिस्पॉन्ड दिया येस या वाई मतलब ये कमांड लिख के ही, तो हमारा जो भी डेटा है वो फाइल के अंदर करंट डिरेक्टरी एंड विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आर स्टार्ट फ्रॉम द सेम डिरेक्टरी, वो सेव हो जाएगा। और जैसे हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में वो सेम डिरेक्टरी में हम लोग का डेटा वहां पे हम लोग को अवेलेबल दिखाई देगा। द फंक्शन एल एस डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल वी हैव डिफाइंड एज शोन इन फिगर 13.10। स्टूडेंट ये कमांड हम लोग ने वीम एडिटर में भी यूज किया है, राइट। एल एस कमांड से क्या होता था स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ लिस्ट हमें मिलती थी डायरेक्टरी की। ओके, अ सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर रेंज मे बी जनरेटेड यूजिंग द सिंटैक्स स्टार्ट एंड। फॉर एग्जाम्पल 1:5 इज सेम एज सी 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर की रेंज लिखनी है तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, तो आपको स्टार्टिंग नंबर लिखना है, कॉलन लिखना है और एंड लिखना है। तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया, अगर सपोज आप ऐसे लिखते हैं 1:5, तो ये ऐसे ही कंसिडर करेगा कि टोटल नंबर जो है वो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 है। ओके, आर अल्सो प्रोवाइड बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वी मे यूज द फंक्शन मीन लिस्ट मैक्सिमम लिस्ट मीन लिस्ट एंड मीडियन लिस्ट। अगर आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है लिस्ट में से, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है या मीडियम फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मीन एंड मीडियम फॉर द लिस्ट वी कैन फाइंड इट। तो चलो यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको इजीली समझ में भी आएगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है काउंट के अंदर ये नंबर लिखे गए हैं टोटल 3, 6, 8, 3, 4, 6, 9, 4, 3, 9। अब ये टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 नंबर है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है मिनिमम, और जो लिस्ट का नाम है वो ये लिस्ट का नाम यहाँ पे दिए गए। तो स्टूडेंट इसमें देखना सबसे जो मिनिमम नंबर है मिनिमम वैल्यू वो है 3, तो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हुआ 3। अब वापस उन्होंने मैक्स के अंदर वापस ये लिस्ट का नाम लिखा, तो LL जो लिस्ट का नाम है और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम नंबर है 9, तो यहाँ पे 9 डिस्प्ले हुआ। फिर यहाँ पे वापस उनको मीन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करने के लिए वापस उन्होंने यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे मीन की वैल्यू डिस्प्ले की, और मीडियन मीडियन फाइंड आउट किया वापस 6। स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 नंबर पे है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मीडियन होता है, तो ये मीडियन फाइंड आउट किया। और मीन कैसे फाइंड आउट किया, तो टोटल नंबर जितने उसकी टोटल की डिवाइड बाय जितने नंबर है उसको डिवाइड किया, तो आपको ये मीन मिला है स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉटिंग इन आर। एज्यूम दैट वी वांट टू प्लॉट अ बार चार्ट दैट रिप्रेजेंट फैकल्टी वाइज स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। सपोज अगर हमें ऐसा बनाना है कि जो भी स्टूडेंट है उनको फैकल्टी वाइज हमें
बार चार्ट असाइन करना है। तो वी में डिफाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ लिस्ट एंड नेम ऑफ फैकल्टीज एंड अनदर लिस्ट। एक लिस्ट में हम लोग सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे और दूसरे लिस्ट में हम लोग फैकल्टीज के नाम लिखेंगे। देन वी मे यूज द फंक्शन बार प्लॉट विथ वेरियस आर्ग्यूमेंट फॉर ड्राइंग द प्लॉट एज शोन इन फिगर 13.12। स्टूडेंट मेन जो प्लॉटिंग ग्राफ जो बोलते हैं हम लोग आर सॉफ्टवेयर में, उसका यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे देखना जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे नंबर लिखा गया है कि 140, 210, 700, 950, 810, 320। और यहाँ पे फैकल्टी नेम में मेडिकल फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी। और बार प्लॉट में नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी मेडिकल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, साइंस फैकल्टी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फैकल्टी वाइज स्टूडेंट्स हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, जिसको हम लोग एक्स लैब बोला। एक्स लैब में फैकल्टी लेंगे और वाई लैब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और उनका फैकल्टी का नाम हम लोग को एज अ आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे दिया भी गया है जैसे कि जो भी हम लोग के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो हम लोग ने वाई एक्सिस पे लिए हैं और मेड लैब फैकल्टीज नेम जो है वो हम लोग ने एक्स एक्सिस पे लिए हैं। ओके, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड द डेटा लिस्ट। ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये क्या स्पेसिफाई करता है, डेटा लिस्ट। व्हाइल ऑल अदर आर्ग्यूमेंट्स हैव द फॉर्म नेम इक्वल टू वैल्यू, वी यूज द आर्ग्यूमेंट मेन एक्स लैब वाई लैब नेम्स आर्ग्यूमेंट वाई लिम एंड बॉर्डर टू स्पेसिफाई द मेन टाइटल, एक्स एक्सिस लेबल, y axis label, the values to be displayed for the bar, the range of value to be plotted on the y axis and border color respectively. Observe that for long command when we press enter before the command is complete. अगर कोई हम लोग long command लिखते हैं student, तो ये कब तक, जैसे हम लोग ने enter किया उसके बाद वो execute होता है। R issues the plus prompt until we complete the command. By default, the graph does not have a grid line, as can be seen in figure 13.13. Student, जो आप जो graph use करते हो उसके अंदर grid line होती है, right? और उसके basis पे आप ये bar plot draw करते हो। But यहाँ पे R software में background में कोई भी graph नहीं होता, यहाँ पे आपको command लिखनी है, उसके basis पे ये आपको bar plot बना के देता है। Producing histogram is also not difficult. Suppose we have marks out of 100 in a particular subject for several students, the histogram can be shown using the code shown in figure 13.14 and we will look like the plot shown in same figure. Students, ये देखना, यहाँ पे इन्होंने एक histogram produce किया है R software में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, तो average निकाला है। सबसे पहले यहाँ पे पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हैं और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी एवरेज मार्क्स ओवरऑल क्लास में कितने आए हैं, जैसे कि आउट ऑफ 20 वाले स्टूडेंट्स 20 मार्क्स जो लाए हैं वो स्टूडेंट्स का रेशो कितना है, 20 से 40 में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किया है, 40 से 60 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 80 में कितने स्टूडेंट्स हैं और 80 से 100 में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये यहाँ पे ये मार्क्स की फ्रीक्वेंसी बताए स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखना ये टोटल मार्क्स लिखे गए थे और इसको हम लोग ने कॉलम में डिस्प्ले किया गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो आर सॉफ्टवेयर का मेन जो यूज है वो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन एंड बार ग्राफ के लिए इसको यूज किया जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रैशनल प्लान। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज the whatever session completed, whatever part is completed, you have to see all the videos. If any one part is missing from your side, it's difficult to understand the next part, because once this chapter finished, the coming chapter we are going to learn programming language. So that's why student, the each part you have to see at the home. If you miss a single part, the next part you will not understand. Okay student, thank you so much. Have a good day.